रेडी चेक हेयर मेकअप लिप ग्लॉस जल्दी लाइव। इजी नहीं है स्टार बनना, लेकिन अब इजी हो सकता है। कैसे? जल्दी लाइव ऐप डाउनलोड कीजिए, इंडिया का पहला सोशल लाइव स्ट्रीमिंग ऐप। टैलेंट दिखाओ, फैंस बनाओ और पैसा कमाओ। तो देर किस बात की, बन जाओ सुपर से भी ऊपर। अब हम बनेंगे आत्मनिर्भर भारत। हरियाणा भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पर कांग्रेस का हंगामा रहा बरकरार, सीएम मनोहर ने विपक्ष के हर सवाल का दिया जवाब। विधानसभा में सीएम ने कहा अभी नहीं होंगी जेबीटी की नई भर्तियां, डाइट में दाखिले भी रहेंगे बंद। शहरों की तर्ज पर गांवों में बनेगी आधुनिक कॉलोनियां, इस राना से होगी शुरुआत, गरीबों को सस्ते में मिलेंगी फ्लैट। सोनीपत फायरिंग में हुआ नया खुलासा, आरोपियों ने ताऊ कहकर बुलाया था बाहर, फिर गोलियों से भून डाला। कैथल में 21 मार्च को महिला ने बुलाया ऐतिहासिक पंचायत, अपने पति की मौत में जांच पर तेजी के लिए रखी महापंचायत। विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ विधेयक को पारित कर दिया गया। कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव के बाद इस विधेयक पर सदन में सत्ता पक्ष को घेरने की भरसक कोशिश की, वहीं इस बार भी केंद्र बिंदु में किसान ही रहे। कांग्रेस ने विधेयक में शामिल डर शब्द पर खूब शोर शराबा किया और कहा कि सरकार इसे जल्दी में लाई है। वहीं सरकार की तरफ से सीएम मनोहर लाल ने इस पर सटीक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की आपत्ति डर शब्द से है, मैं कहता हूं कि अपराध करने वालों के मन में डर होना चाहिए ताकि वे अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। तत्काल किसी का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की जिम्मेदारी किसी को डाली जाए, इस प्रकार का ये एक्ट था। इन लोगों की शंकाएं निराधार हैं कि शायद ये किसान जो 3 कानून का विरोध कर रहे हैं उसके खिलाफ ये किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस कानून का 3 कानूनों के विरोध करने वाले हमारे किसान बंधुओं के साथ बिल्कुल नहीं है, लेकिन किसी प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना या नुकसान हुआ तो उसको उसका मुआवजा दिलवाना ये सरकार का काम है, इसलिए हमने उस एक्ट को पारित किया है। प्रदेश में सरकार ने जेबीटी की नई भर्तियों को लेकर बड़ा फैसला किया है, जिसके बाद फिलहाल जेबीटी की भर्तियां नहीं की जाएंगी। अभी प्रदेश में जेबीटी सरप्लस है, मेवात कैडर में सिर्फ 900 पद खाली हैं, जिन्हें तबादलों प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जाएगा। उधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शून्यकाल में ये जानकारी दी है। सीएम ने कहा कि नई शिक्षा नीति को हरियाणा में 2030 के बजाय 2025 तक लागू करेंगे। अभी जेबीटी की जरूरत नहीं, इसीलिए डाइट में दाखिले बंद किए गए हैं। प्रदेश में सरकार ने शहरों के तर्ज पर ही गांवों में भी अत्याधुनिक कॉलोनियां विकास करने का फैसला लिया है, जिसके तहत 150 से 500 गज तक के प्लॉट गरीब लोगों को सस्ते रेट पर आवंटित किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ये जानकारी दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में गरीब लोगों के लिए योजनाबद्ध कॉलोनियां विकसित की जाएंगी। इनमें बिजली की सुविधा के लिए अलग पावर हाउस, सामुदायिक केंद्र, खेल परिसर, अच्छी सड़कें और पशुओं को पानी पिलाने के लिए तालाब बनाए जाएंगे। और हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण पानीपत जिला के इस राना से इसकी शुरुआत करने जा रही है। सोनीपत में बिट्टू बरूणा और उसके पिता की मर्डर में कई खुलासे हुए हैं। दरअसल दोपहर करीब 1:15 बजे सिपाही महेश ने बिट्टू बरूणा को सिर में 3 गोली मारी। इस वारदात के करीब 10 मिनट बाद बिट्टू बरूणा के पिता कृष्णा की हत्या के लिए हमलावर उसके घर पहुंचे। घर के बाहर स्कॉर्पियो से उतरते ही हमलावरों ने ताऊ कहकर आवाज लगाई। कृष्ण दरवाजे पर पहुंचे तो हमलावरों ने गोलियां चला दी। वहीं इसका खुलासा हमलावरों की स्कॉर्पियो का सीसीटीवी में कैद हुए तस्वीरों के जरिए किया गया है। वहीं इस मामले में बिट्टू बरूणा की मां अनीता ने बताया कि उसके बेटे को गोली मारने वाला सिपाही महेश उनके घर पहले कई बार आ चुका था। कैथल में एक महिला के महापंचायत बुलाने का ऐतिहासिक मामला सामने आया है। दरअसल एक महिला ने 21 मार्च को कलायत में ऐतिहासिक बड़ी चौपाल पर 21 मार्च को
महापंचायत बुलाने का फैसला लिया है। ये पंचायत महिला अपनी पति की मौत के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए बुलाने वाली है। पति के मर्डर के मामले में राजबीर की पत्नी सुमन ने जल्द न्याय की मांग को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कार्रवाई के लिए पत्र भी लिखी थी। वहीं मामले में थाना प्रभारी जयवीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने बताया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। सर वो 20 जुलाई 2020 को मेरे पति का मर्डर हुआ था, उसके अंदर कुछ पुलिस अधिकारी भी शामिल थे और बिन्नी के गैंग के अन्य सदस्य थे जो कुछ गिरफ्तार किए जा चुके हैं, कुछ करने वाले हैं। उसका पिता भी साथ में गैंग में शामिल था और वो आज़ाद घूम रहा है सर। और दूसरा ये जो पुलिस अधिकारी लोग हैं वो सभी आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। उनके खिलाफ मैंने मुख्यमंत्री जी को शिकायत की थी लेकिन आज तक मेरी उस शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अंबाला मंडल के आईजी वाई पुणे कुमार ने यमुनानगर पहुंचकर यमुनानगर, अंबाला और कुरुक्षेत्र जिलों के पुलिस कप्तानों के साथ बैठक की। इस बैठक में विशेष रूप से सुरक्षा, कोरोना और पुलिस वेलफेयर को लेकर चर्चा की गई। आईजी अंबाला ने जानकारी दी कि कोरोना को लेकर सरकार की हिदायतों को पूरी तरह से लागू कराया जा रहा है, जिसके लिए न सिर्फ लोगों को जागरूक किया जा रहा है बल्कि मास्क नहीं लगाने पर लोगों के चालान भी किए जा रहे हैं। देखिए, सरकार की तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से, पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से काफ़ी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस आए हैं, SOPs आए हैं और किस तरह रिस्ट्रेन करना है, पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ाना है, वो सारे हमारे तीनों जिलों में हो रहा है, सारे स्टेट में हो रहा है। तो इस प्रिकॉशन को हम फोर्सफुली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पलवल के अरहवा गांव में नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है और छेड़छाड़ करने का आरोप स्कूल के ही अध्यापक पर लगाया गया है। वहीं शिकायत करने पर स्कूल के स्टाफ ने मामले को दबाने का प्रयास किया लेकिन जब गांव के लोगों ने इसका विरोध किया तो मामला सदर थाना पुलिस चौक पर पहुंच गया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत दर्ज कर आरोपी शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस जल्दी ही आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार करने का दावा भी कर रही है। उन्होंने छेड़खानी का लगाया, भी मेरे को क्लास रूम से बाहर जो साइंस रूम है वहाँ पे बुलाया और वहाँ पे मेरे साथ छेड़खानी की है। क्या कार्रवाई चली है? इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया, जल्द उसको गिरफ्तार करेंगे। छात्रा कौन सी क्लास में पढ़ती है? 10वीं कक्षा में पढ़ती है छात्रा और गांव का ही गेस्ट टीचर कार्यरत अध्यापक है। किसी बहाने से बुलाया था छात्रा को? क्लास बुक्स लेने के बहाने से बुलाया था। फरीदाबाद में एक युवक की शराब पीने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक ज्वेलरी शॉप चलाता था, वहीं देर रात बड़खल के सरकारी होटल ग्रे फाल्कन में शराब पीने के लिए आया हुआ था। होटल से खाने पीने के बाद बाहर निकलते वक्त उसकी मौत हो गई। सूचना के आधार पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये हम चौकी में थे तो चौकी में यहाँ से हमारे को ग्रीन फाइल या वो होटल है सरकारी, यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कोई आदमी है शराब पीके के नाम है यहाँ लेट रहा है। तो हम यहाँ मौके पाए तो देखे तो उसके मुंह से के नाम है कोई नाक से कहीं गंदगी लिख रही है और वो डेड हो पड़ा। तो उसके पास आदमी हमने कोई एक दो थे जो जिन्होंने परमिशन दी थी तो उन्होंने पूछ भी कैसे बोलो जी, हमने तो इस तरह हमने आए थे यहाँ से ना घूमने के लिए तो हमने ये आदमी देखे थे इसलिए आपको सूचना दे दी थी। फिर हमने यहाँ होटल है जो ग्रीन फॉल वहाँ का जो इंचार्ज है नरेश कुमार उससे पता करी भी कैसे बोलो जी हाँ आदमी ये तो आया था हमारे पास यहाँ, इसने शराब पिए 5 पैक पिए थे। यमुनानगर के गांव महिला वाली में एक घर को चोरों ने अपना निशाना बना लिया और सोने के आभूषणों के साथ नगद लेकर फरार हो गए। गांव में रहने वाले जसविंदर ने बताया कि एक निजी हॉस्पिटल में अपने पिता को चेक करवाने के लिए गए हुए थे लेकिन जैसे ही वो घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। उन्होंने बताया कि चोर 35,000 रुपए कैश, सोने के कुछ आभूषण और सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल भी लेकर चला गया। पुलिस ने मौके का दौरा करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इसी के साथ हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हरियाणा भारत। नमस्कार। रेडी, चेक, हेयर, मेकअप, लिप ग्लॉस, जल्दी लाइव। इजी नहीं है स्टार बनना लेकिन अब इजी हो सकता है। कैसे? जल्दी लाइव ऐप डाउनलोड कीजिए, इंडिया का पहला सोशल लाइव स्ट्रीमिंग ऐप। टैलेंट दिखाओ, फैंस बनाओ और पैसा कमाओ। तो देर किस बात की, बन जाओ सुपर से भी ऊपर। अब हम बनेंगे आत्मनिर्भर भारत।